हाय डियर फ्रेंड, ये आज जो हम 17 जनवरी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं और आज हम 10 क्वेश्चन को करेंगे करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश के सत्य रूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है, 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं, तो किस देश के हैं? तो पहला है नेपाल, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो आंसर जो है वो भारत है। ठीक है, भारत के सत्य रूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। 35 वर्ष और 262 दिन के सत्य रूप ने यह उपलब्धि बुधवार को 7वें ज्वालामुखी पर्वत माउंट सीडेल अंटार्कटिका पर चढ़ाई पूरी कर हासिल की है। ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक है, सत्य रूप सिद्धांत जो 7 पर्वतों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अभी ये भी आपको कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इंडिकेट करा देता हूँ कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं अभी वो हैं रामनाथ कोविंद जी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाईकोर्ट के मुख्यालय न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था? तो वो किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस थे दिनेश माहेश्वरी, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? अभी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, दिनेश माहेश्वरी जो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किसके किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी, वो पहले हाईकोर्ट के, किस हाईकोर्ट के? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के वो जस्टिस थे दिनेश माहेश्वरी, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, कर्नाटक हाईकोर्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखना है, दिल्ली के हाईकोर्ट के जज जो थे संजीव खन्ना और कर्नाटक के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, मतलब संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? मेघालय सरकार, बिहार सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार? तो मेघालय सरकार। विवरण देख लेते हैं, मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से निकाले जा चुके कोयले के परिवहन के लिए खदान मालिकों को और अधिक समय देने का इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक क्या है, एक्जिम बैंक में 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वो है 20,000। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20,000 करोड़ रुपए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के जूड़ो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 स्वर्ण गोल्ड जीते हैं, 3 रजत सिल्वर एंड कितने कांस्य पदकों का पर कब्जा करने करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है? तो वो है 6। ठीक है, 6 कांस्य पदक पर कब्जा करके बाकी टीमों को पछाड़ दिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, योहेई ससाकावा। केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई। वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई ससाकावा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th, वर्ष
2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था? अब देखिए 2018 के लिए तो आपने देख लिया, 2017 के लिए, सॉरी 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो वो थे विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 18 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेता के नामों की घोषणा की गई। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2015 के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को चुना गया है। ओके, 2018 देख लिया, 2015 देख लिया, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ पर आरंभ हुआ है? हाल ही में मानव अधिकार को समर्पित है विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ पर आरंभ हुआ है? वो है लंदन में। ठीक है, मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल, हाल ही में मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे? तो केंद्रीय विद्यालयों में वो है 13, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन 13। ठीक है, 13 के नए केंद्रीय विद्यालय के लिए 3,639.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा, देखिए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री, अभी सुरेश प्रभु, पहले सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, अभी क्या हैं, केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया गया है? वो है मुंबई में। ठीक है, तो याद रखना 2040 के दस्तावेज जारी किया गया के लिए 2019 में ये विमान शिखर सम्मेलन हुआ, और कहाँ हुआ, वो है मुंबई में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करंट अफेयर देखते रहना, डेली आप देखते रहिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर बेटर हो। रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए जो करंट अफेयर्स हैं, जो नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि ताकि RRB JEE में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।